सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100 फोन के बारे में। हाँ, सो अगर आपके पास वीवो का Y100 फोन है, आप चाहते हो अपने फोन के सेटिंग से इनकमिंग को लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करना, जो कि आपके स्क्रीन के चारों तरफ जो लाइट होता है इस तरीके से वर्क करता है। एंड जब भी आपके पास कोई कॉल करता है, जिससे कि कॉल करता है तो आपका स्क्रीन लाइट वर्क करता है। एंड जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है तब भी आपका स्क्रीन लाइट वर्क करता है। एंड आपके स्क्रीन जो होती है और भी बेटर लगती है देखने में, एंड नाइट वगैरह में और भी अच्छी लगती है। तो फाइनली मैं आप लोग को बताऊंगा इसके अंदर से आप लोग अपने इनकमिंग को लाइट को एंड नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल करोगे एंड वीवो के Y100 फोन के सेटिंग से। तो मैं आप लोग को इसी के बारे में इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग को दो प्रकार से बताऊंगा, जैसे कि यहां पे दो प्रकार होता है, एक आपके फोन के सेटिंग से एंड जो दूसरा होता है आपका यहां पर आप लोग एक ऐप के जरिए भी इनेबल कर सकते हो। जिनके फोन में आप ये सेटिंग नहीं होगा तो वो इस ऐप के जरिए भी यूज कर सकता है। तो मैं आप लोग को दोनों सेटिंग बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बताते हैं कैसे आप लोग वीवो के Y100 फोन में इनकमिंग को लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हो। तो इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो को रिकॉर्डिंग एंड इनेबल करने के बारे में तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके हमसे बात कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हम आप लोग को बताने वाले हैं वीवो के Y100 फोन में आप लोग इनकमिंग को लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट, जैसे कि यहां पे स्क्रीन के चारों तरफ आपका लाइट जो होता है स्क्रीन होता है उस पर आपका वर्क करता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग इनकमिंग को लाइट को इनेबल कर सकते हो अपने फोन के सेटिंग से। मैं आपको चल के दिखाता हूं अपने फोन के सेटिंग में। तो पहले आप लोग को जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। यहां पर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां पे मैं मार्कर लगा दिया हूं तो आप लोग देख सकते हो डायनेमिक इफेक्ट है एंड इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डायनेमिक इफेक्ट में क्लिक करते हो उसके बाद आपको मिल जाता है यहां पर लाइट इफेक्ट का ऑप्शन, यहां पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आपका स्क्रीन जो ऑन बेच ऑन डिस्प्ले स्क्रीन होगा इस तरीके से ऑफ होगा तो आपको यहां पर ऑन करना एंड ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को भी इस तरीके से आपको ऑन करना एंड नीचे मिल जाएगा कस्टमाइजेशन टाइम एंड उसके बाद आपको मिल जाता है टाइम सेट करने का ऑप्शन, आप लोग टाइम भी सेट कर सकते हो इसके अंदर। और नीचे मिल जाता है आपको इनकमिंग को लाइट, जैसे कि पहली बार अगर आप आते हो तो आपका इस तरीके से ऑफ होगा एंड यहां से आपको ऑन करना है एंड यहां पर आपको मिल जाता है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, यहां पे आपको पढ़ लेना है क्लिक करना है उसके बाद यहां पर एंड इस तरीके से आपका लाइट देखने को मिल जाएगा। यहां पे हमारा इनकमिंग को लाइट इस तरीके से मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कलर अलग अलग मिल जाता है, इसके अंदर आपको कलर कस्टमाइजेशन करने को मिल जाता है एंड टाइमिंग आप लोग कितना रखना चाहते हो यहां पर कलर को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इस प्रकार का कलर आपको इसके अंदर मिल जाता है तो आप लोग कलर को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन है, अप्लाई करके एंड अपने इनकमिंग को लाइट पे इस तरीके से आप लोग कलर को इनेबल करके एंड अपने फोन में लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो साइज होता है इसका साइज को आप इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो एंड छोटा भी कर सकते हो जो कि देखने में अच्छा लगे। तो आपको फिर अप्लाई कर देना है इस लाइट को। अप्लाई करने के बाद आपको यहां से बैग हो जाना है। ये आपका जो कि इनकमिंग को लाइट है, लाइट जो है इनेबल हो चुका है एंड जब भी कोई भी कॉल करेगा तो आपका यहां पे वर्क कर गया इस स्क्रीन पे। अब बात करते हैं यहां पे नोटिफिकेशन लाइट की, तो जो कि अगर आपके ऐप पे कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपकी लाइट वर्क करती है। तो यहां पर आपको इस तरीके से ऑफ होगा, इसे भी आपको ऑन कर लेना है। करने के बाद यहां पे नोटिफिकेशन ऐप, पहले आपको एप्लीकेशन को परमिशन देना पड़ता है जो कि जिस एप्लीकेशन पे आप चाहते हो लाइट वर्क करे। तो यहां पे ऐप को ऑन कर लेना इस तरीके से। मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग अपने समझ से यहां पे ऑन कर सकते हो अपने फोन के सेटिंग में। तो यहां पर मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद हम करेंगे बैग होने के बाद हमारा यहां पर मिल जाता है। यहां पर एक और एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। यहां पर इस तरीके से हमारा ऑन होने के बाद यहां पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर आप क्लिक करोगे एंड उसी प्रकार से आप लोग इसे भी सेट कर सकते हो जिस प्रकार से आपने इनकमिंग को लाइट को सेट किया था। तो यहां पे इसके अंदर आपको कलर कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि आपको कलर जो भी बेटर लगता है ये लगाना चाहते हो। उसके बाद इसके साथ ग्रीन एंड यहां पर आपको इसमें लगाना है ये वाला कलर और यहां पे मैंने लगा दिया एंड जो नो व्हाइट हो चुका है यहां पर हम करेंगे ओके पे क्लिक और ये हमारा लाइट इनेबल हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइट वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग इस लाइट को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इनेबल कर लिया है एंड ओके पे करेंगे अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइट को लगा दिया, उसके बाद हम इसका टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग कितना टाइम रखना चाहते हैं फुल कर देना, उसके बाद इसके साइज को बड़ा भी छोटा भी कर सकते हो एंड इसके अंदर अलग अलग कस्टमाइजेशन मिल जाता, तो आप लोग कस्टमाइज करके इसे यूज कर सकते हो। तो मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोग अपने फोन के सेटिंग से यहाँ पे इनकमिंग को लाइट को इनेबल कर लेते हो तो आपका इनेबल हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरे सेटिंग के बारे में, चूंकि एक एप्लीकेशन के जरिए आप लोग कैसे इनकमिंग को लाइट को इनेबल करोगे, तो यहाँ पे प्ले स्टोर में आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे आप लोग को सर्च करके डाउनलोड कर लेना, सिर्फ नोटिफिकेशन लाइट एंड ये आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको ओपन करना है, जहां पे आपको ये एप्लीकेशन को ओपन करते कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जहां पे आपका एप्लीकेशन ओपन होगा एक दो सेकंड के बाद एक ऐड आएगा, तो ऐड को यहां से आपको स्किप करना है, स्किप करना है यहां से, और आपको यहां पर मिल जाता है दो से यहां पे एग्री, यहां पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना एंड आपको फर्स्ट वाले नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इनेबल पे क्लिक करना, ये आपको ओके कर देना है। इस तरीके से एप्लीकेशन को परमिशन देना, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च कर रहा है और जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया उस एप्लीकेशन को यहाँ पे परमिशन देकर एंड बैग हो जाना है। अब दोस्तों यहां पर मैं बताऊंगा अलाउ पे क्लिक करना, उसके बाद दोस्तों यहां पर डिस्प्ले इनकमिंग कॉल्स एंड इसे भी ओके कर देना है और फिर से एप्लीकेशन को परमिशन देना है और यहां से आपको बैग हो जाना अलाउ पे क्लिक करके। एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर मिल जाता है आपको ये वाला भी ऑप्शन, इसे भी ऑन कर देना है। यहां पर आपको एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को ऐप पे यहां पर परमिशन देना, तो मैं यहां पर दो तीन एप्लीकेशन को परमिशन देकर आप लोग को बता देता हूं। कॉल वाला यहां पर हो गया। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो गूगल डायलर में हो गया मेरा, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये एप्लीकेशन म्यूजिक प्लेयर पे भी आपका लाइट वर्क करेगा। तो आते हैं नीचे और आप लोग को म्यूजिक प्लेयर दिखाते हैं, यहां पर जो कि म्यूजिक प्लेयर मैं यहां पे ढूंढ रहा हूं जो कि यहां पे मिल नहीं रहा, तो आप लोग को दिखाऊंगा यहां पर म्यूजिक प्लेयर कहां पे है। तो यहां पर इसमें मैंने टिक लगा लिया, दो तीन एप्लीकेशन को टिक लगाने के बाद यहां पे आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको यहां पे फ्लेक्सिंग एंड लाइटिंग देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इस लाइट को कंटिन्यू यहां पे सेट कर सकते हो एंड लाइट का कलर भी यहां पे आपको मेंटेन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो लाइट ग्रीन एंड सेट कर सकते हो, रेड के साथ ग्रीन बेटर लगता है, तो यहां पर मैंने ग्रीन कर लिया एंड इसके टाइमिंग एंड साइज को आप लोग मेंटेन कर सकते हो। यहां पर आपको मिल जाता है मैक्सिमम साइज क्या है, तो आप लोग इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो हमारा ये लाइटिंग वगैरह है तो रेड पे और भी नहीं अच्छा लग रहा है, यहां पर हम करेंगे येलो एंड इसके साथ हम करेंगे रेड यहां पर क्लिक किए और ये और भी बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से आपका लाइटिंग वर्क करेगा एंड इससे एप्लीकेशन से सेट होने के बाद अब यहां पे आपका सेट हो चुका, आपको बैग आना है एंड यहां पर हम म्यूजिक प्ले पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो म्यूजिक प्ले पे हम आ चुके हैं, ये हमारा म्यूजिक प्लेयर प्ले हो चुका है एंड यहाँ पे लाइट जो है हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो लाइट आप लोग देख सकते हो वर्क कर रहा है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने म्यूजिक प्ले बंद कर देने के बाद, चालू करने के बाद ये लाइट वर्क करेगा। तो इस तरीके का आप लोग अपने एप्लीकेशन से यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन में कुछ एडवांस मिल जाता। तो फाइनली मैंने आप लोग को बता दिया Y100 फोन के सेटिंग से आप लोग इनकमिंग को लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हो, सिर्फ आप लोग को बताया यहाँ पे, आप लोग अपने फोन में जाकर चेकआउट करके एंड इनेबल कर सकते। तो अगर आपके फोन के सेटिंग के अंदर नहीं है तो मेरे एप्लीकेशन के बारे में बताया, एप्लीकेशन के बारे में कुछ एडवांस है जो कि म्यूजिक प्लेयर पे भी आपका लाइट वर्क करता है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर लेना एंड अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।